अच्छा, तो हमने इसकी बात कर ली, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल एंड फॉर्म्स होल्ड देयर फाइनेंशियल विथ इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, उसको फॉलोइंग फॉर्म में रखता है, डोमेस्टिक मनी, डोमेस्टिक बॉन्ड और फॉरेन बॉन्ड एंड फॉरेन बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, ये फॉरेन बॉन्ड जो होता है ये फॉरेन करेंसी में होता है। डोमेस्टिक डोमेस्टिक मनी क्या है? डोमेस्टिक पीपल एंड फॉर्म कीप कीप द डोमेस्टिक मनी फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन। फॉर वट पर्पज दे कीप मनी डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए रखते हैं। अच्छा, इसमें से बाज लोग, जिसका मैंने आप लोगों को बताया कि बाज लोगों के पास इलीगल मनी होता है, तो वो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए नहीं रखते, वो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि उनको हुकूमत से बचाओ, वो अपने इस मनी को अनवील नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है, करप्ट मनी होती है और इसके लिए उनको फाइनेंशियल ट्रेल पड़ती है। ठीक है, सो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए लोग रखते हैं। ठीक है, मेन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांजेक्शन डिमांड। अच्छा, टू होल्ड डोमेस्टिक मनी इज रेस्टलेस। याद रखो कि मैं अगर पैसे रखूँ तो ये तो कोई रेस्ट नहीं है, बस ठीक है मेरे पास पैसे, तो आपका दिल क्या होगा, आप जोड़ोगे कि भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे। ठीक है, एंड गिविंग नो रिटर्न, और याद रखो कि ये रिटर्न भी नहीं दे रहे, हैविंग नो इंटरेस्ट, ये कोई इंटरेस्ट है। मैंने आपको बता दिया कि पैसा अगर बेकार पड़ा हुआ है आपके घर में तो ये कोई इंटरेस्ट नहीं देता, ये कुछ नहीं देता आपको। ठीक है, इफ ए पर्सन आर फॉर्म डज होल्ड द डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, अगर कोई बंदा ये डोमेस्टिक करेंसी रखता है तो वो क्या कर रहा है, सो दे फॉर गो द इंटरेस्ट अर्निंग, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये रख रहे पैसे तो रख रहे हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो क्या छोड़ रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं जी इंटरेस्ट नहीं कमा रहे। ठीक है, ऑन डोमेस्टिक बॉन्ड एंड फॉरन बॉन्ड। ओके, तो एक तो हम क्या रखते हैं, पैसे नकद रखते हैं, दूसरा हम डोमेस्टिक बॉन्ड खरीदते हैं, और डोमेस्टिक बॉन्ड खरीदने का क्या फायदा होता है जी, ये इंटरेस्ट कमाता है, इन द इंसेंटिव टू होल्ड एंड डोमेस्टिक बॉन्ड इज दैट इट अर्न द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या कमाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाता है, और इसका रिस्क भी होता है, एंड हैज एन रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। हो सकता है कि जी ये बॉन्ड वो बैंक डिफॉल्ट हो जाए या आपका इदारा डिफॉल्ट हो जाए, तो जाहिर बात है आप ये डिफॉल्ट होने का रिस्क होता है इसमें, गो के बहुत कम है, गो के इंतहाई कम है, लेकिन फिर भी एक रिस्क इन्वॉल्व है, एंड वेरिएबिलिटी इन द मार्केट वैल्यू ओवर टाइम। जाहिर बात है आपकी इन्फ्लेशन होती है तो इसमें उसकी वैल्यू आहिस्ता 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 कम होती है। ठीक है, अच्छा जी, फिर है फॉरेन बॉन्ड। फॉरेन बॉन्ड जो है ये जाहिर बात है इंटरनेशनल जब बॉन्ड खरीदते हैं, और ये फॉरेन करेंसी में होता है। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल आपने इसका लिया है, यूएस का बॉन्ड लिया तो वो डॉलर में होगा, इंग्लैंड वगैरह का लिया तो वो यूरो में होगा। ठीक है, तो द बेनिफिट ऑफ होल्डिंग फॉरेन बॉन्ड इज दैट इट अलाउ द होल्डर टू स्प्रेड द रिस्क। ये क्या करता है, फॉरेन बॉन्ड जो है ये रिस्क को स्प्रेड करता है, यानी रिस्क को कम करता है। ठीक है, किस तरह, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मुल्क में रिटर्न कम है तो वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, अगर उनके मुल्क में रिटर्न कम है तो हो सकता है आपके मुल्क में रिटर्न ज़्यादा हो। ठीक है, द डिस्टर्बेंस ऑफ लो रिटर्न इन वन कंट्री मे नॉट बी लाइकली टू अपीयर इन अनदर कंट्री। किस तरह स्प्रेड होता है, अगर एक मुल्क में वो पैसा कम कमा रहा है तो वो तुम्हारे मुल्क में ज़्यादा कमा सकता है। ठीक है, बट एज इट इज डोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन, अगर ये दूसरे करेंसी में होता है इसलिए इसमें डिप्रिसिएशन का खतरा होता है। डिप्रिसिएशन क्या चीज़ है, डिप्रिसिएशन ये होता है कि अगर आपका रुपया अगर वो करेंसी डिप्रिशिएट करती है, वो करेंसी जिसमें ये बॉन्ड है, तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, मैं कॉस्ट टू कैपिटल लॉस। अच्छा, कैपिटल गेन भी हो सकता है इसमें, कैपिटल गेन भी हो सकता है, कैपिटल गेन ये हो सकता है अगर आपकी करेंसी डिप्रिशिएट कर गई तो आपने कैपिटल गेन कर लिया। ठीक है, बिकॉज इट ऑलवेज इन्वॉल्व द फॉरन एक्सचेंज, क्योंकि इसमें फॉरन एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एंड मॉनेटरी, अच्छा ये यहाँ पर इससे पहले एक अप्रोच होती है मॉनेटरी अप्रोच। ठीक है, उसमें था कि डोमेस्टिक, उसमें ये अप्रोच है कि फॉरन बॉन्ड और डोमेस्टिक बॉन्ड जो है ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, यानी एक जैसी चीज़ें हैं। कीन्स की थ्योरी में इसको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट लिया गया है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ये है कि उसमें 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 सिर्फ बॉन्ड की बात की गई, तो उसमें फॉरन और डोमेस्टिक बॉन्ड की बात नहीं की गई कीन्स की थ्योरी में। यहाँ पर उसको अलग अलग कंसिडर किया गया है, इसलिए यहाँ पर फॉरन बॉन्ड और डोमेस्टिक बॉन्ड क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ये एक जैसी चीज़ें नहीं है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि ये एक जैसी चीज़ें नहीं है, एक तो ये करेंसी में चेंज है, एक ये रिटर्न में चेंज होगी। ठीक है, सो इन मॉनेटरी अप्रोच द डोमेस्टिक एंड फॉरन बॉन्ड आर कंसिडर्ड एज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, बट इन एसेट मार्केट यानी पोर्टफोलियो मॉडल में दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। ठीक है, एज इन्वेस्टर कंसिडर द टू बॉन्ड्स
is different in return as well as in risk, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब मैं यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन करवाई थी यहाँ पर आ जाए जी, अब मैं आपकी डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। यहाँ रखा है थ्योरी ये कहती है कि डिमांड, ये जो मैंने आप लोगों को तीन चीजें सिखा दी ना, ये सिखा दी ये 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 ये, ये वाली चीजें डोमेस्टिक बॉन्ड, डोमेस्टिक मनी, डोमेस्टिक बॉन्ड, फॉरन बॉन्ड, ये डिमांड फॉर एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट्स है। अच्छा ये क्या है, डिमांड फॉर फाइनेंशियल एसेट। अब ये डिमांड फॉर फाइनेंशियल एसेट और इसकी सप्लाई अगर ये दोनों बराबर हो गए तो आपका एक्सचेंज रेट क्या होगा, वहां पर एक्सचेंज रेट मुकर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पर हर इक्विलिब्रियम हर मार्केट में चाहिए, यहाँ पर मनी मार्केट में भी इक्विलिब्रियम इन ईच फाइनेंशियल मार्केट अकर्स व्हेन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ईच फाइनेंशियल एसेट इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। हर इसमें इक्विलिब्रियम तब होगा जब हर तीन तीन, हमने यहाँ पर तीन सिचुएशन बता दी, यहाँ पर इन तीनों में जब डिमांड डोमेस्टिक डिमांड की सप्लाई डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिक मनी और डोमेस्टिक सप्लाई बराबर हो जाएगी, मनी की इक्विलिब्रियम होगा, डोमेस्टिक बॉन्ड की सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम होगा, फॉरेन बॉन्ड की डिमांड और सप्लाई अगर बराबर हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो लिखा इक्विलिब्रियम इन ईच फाइनेंशियल मार्केट अकर्स व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ईच फाइनेंशियल एसेट इज इक्वल टू इट्स सप्लाई, ठीक है। अच्छा इन्वेस्टर्स जो है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर कि सिर्फ एक चीज में वो नहीं करता, अपने एसेट्स को नहीं रखता, वो डाइवर्सिफाइड करता है, कुछ जी प्रॉपर्टी खरीदता है, कुछ फ्लांचिज खरीदता है, कुछ फ्लांचिज खरीदता है, कुछ बॉन्ड खरीदता है, तो वो अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाइड, यानी जब भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात हम कर रहे हैं तो वो डाइवर्सिफाइड होती है, पोर्टफोलियो होती है, इन्वेस्टर्स होल्ड डाइवर्सिफाइड एंड बैलेंस्ड पोर्टफोलियो फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। इन्वेस्टर्स क्या करता है, डाइवर्सिफाइड बैलेंस पोर्टफोलियो क्या होता है, बैलेंस पोर्टफोलियो होता है कि वो डिमांड सप्लाई को इक्वेट करता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बैलेंस पोर्टफोलियो एसेट कहते हैं। दिस इज व्हाई द एसेट थ्योरी मॉडल इज नोन एज पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच, ठीक है। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन द प्रोसेस ऑफ रीचिंग इक्विलिब्रियम इन ईच फाइनेंशियल मार्केट, ईच फाइनेंशियल मार्केट में जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी तो हम कहेंगे जी क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। अब डिमांड फॉर फाइनेंशियल एसेट्स उसके डिटरमिनेंट्स क्या है, हर एक में इसमें है रेट ऑफ इंटरेस्ट, डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका डिटरमिनेंट है, यानी ये इसके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, डिटरमिनेंट्स है, फॉरेन इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी, एप्रिसिएशन क्या होती है, एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ये दो अलग चीजें हैं, डिप्रिसिएशन ये होती है कि वैल्यू कम होना, एप्रिसिएशन ये होती है कि वैल्यू बढ़ना, यूजुअली ये होता है कि एप्रिसिएशन फॉरेन करेंसी एप्रिसिएट करती है, जब हमारी करेंसी डिप्रिशिएट करती है तो उनकी करेंसी क्या करती है, एप्रिशिएट, उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो ये है एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन, यानी मैं किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट तब करता हूँ ना, किसी मुल्क का बॉन्ड तब खरीदता हूँ जब मुझे पता होता है कि इनकी करेंसी एप्रिशिएट करती है, कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करता जिस मुल्क की करेंसी डिप्रिशिएट करती है। अब पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते फाइनेंशियल एसेट में, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी नीचे जा रही होती है, डिप्रिशिएट कर रहे थे, तो कोई भी इसलिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता इसमें फाइनेंशियल एसेट्स में, फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट तब होगी जब आपकी करेंसी क्या करेगी, अप्रिशिएट करेगी, ठीक है। रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम में यह है कि आपकी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप देखते कि जी मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें रिस्क कितना है, रिस्क, ठीक है, रियल इनकम है, ठीक है, डोमेस्टिक प्राइस लेवल है, वेल्थ है। अब हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग इसको एनालाइज करते हैं।